अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कमेंट सेक्शन का एक बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने ये नहीं देखा, जिन लोगों ने ये नोटिस नहीं किया, तो रिसेंटली जो मेरी वीडियो थी मार्क एक्स वर्सेस 86, इस पर ऑब्वियसली मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने कॉमेंट किया। एंड यूजली मैं कमेंट्स इनकरेज करता हूँ, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, वो तो ओपिनियन का मसला है। किस कुछ लोग होंगे वो मार्केट्स को डिफेंड करेंगे, कुछ 86 को, कुछ होंडा कम्युनिटी वाले, उनका अपना एक ओपिनियन होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और एक कमेंट जो बार बार मेरे तकरीबन मेरे सब वीडियोस पर ये होता है और जिसको आंसर करते करते मैं थक गया हूँ, वो ये कमेंट है कि ये आपका इंजन कौन सा है, इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है। तो परफॉर्मेंस इंजन का फ्यूल एवरेज के साथ तो मतलब कोई लेना देना नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स इसकी एक्सेलरेशन अच्छी और इसका स्पीड अच्छा हो। एक्सेलरेट तो स्पीड फ्यूल एवरेज जो है ना, वो मैं बिल्कुल इसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मुझे अच्छी फ्यूल एवरेज दे। इस बार भी एक सब्सक्राइबर उसने कॉमेंट किया कि फ्यूल एवरेज क्या है आपकी गाड़ी की। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैं कई बार आंसर कर चुका हूँ, तो इस बार मैंने थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स आंसर दिया। मैंने कहा कि 20 किलोमीटर पर लीटर 30 प्लस ऑन हाईवेज। ऑब्वियसली इट वॉज अ जोक, बंदे ने सीरियस ले लिया, बंदे ने दिल पे ले लिया। अब उसने मुझे रिप्लाई किया कि 2000 सीसी पर 20 किलोमीटर एवरेज, हाउ इज इट पॉसिबल। अब मैं उसको रिप्लाई दे नहीं लगा था या कि एक दूसरे बंदे ने कमेंट किया कि मुझे याद है आपने पहले 89 बताया था। उसके साथ भी मैंने थोड़ा सा मजाक किया कि सॉरी आई मिस कैलकुलेटेड बैक देन, 20-30 एवरेज देती है, कभी कभी 50 प्लस भी। अब 50 प्लस एवरेज जो है ना, ये अब जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, इट्स अ हाइब्रिड फील्डर, 50 प्लस एवरेज ये भी नहीं दे सकती। तो अब 86 जो नेचुरली एस्पायरेटेड हाई रेविंग इंजन है, इट्स अ स्पोर्ट्स इंजन, वो किस तरह 50 एवरेज और 20 एवरेज, ये कोई मानने वाली बात ही नहीं है। बेस्ट एवरेज जो मेरी 86 दे सकती है, बेस्ट एवरेज वो ये, अगर आपका आप फिफ्थ गियर में और टॉप गियर स्पेशल टॉप और आपकी आपका आर पी एम वही 2 या 2.5 पर हो, स्पीड 70-80 हो, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एवरेज जो आपको मिलेगी वो 14 या 16 होगी, सबसे बेस्ट, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन भाई साहब, अगर मेरी गाड़ी 16 एवरेज नहीं, अगर ये आपको 36 एवरेज भी, कोई गाड़ी आपको 36 एवरेज भी दे और आप उसको उस तरह आप ड्राइव करें जिस तरह मैं अपने 86 को मैं ड्राइव करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जब भी मैं हाईवे हिट करता हूँ तो इट्स लाइक 7000 आरपीएम और मीटर डाउन, और जिस तरह मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ, तो कोई भी गाड़ी अगर वो हाइब्रिड भी हो ना, वो आपको 10 से ऊपर एवरेज नहीं देगी। और जब मेरी गाड़ी एक परफॉर्मेंस गाड़ी, हाई हॉर्स पावर, हाई रेविंग इंजन, जब आप उसको पुश करोगे तो आपको एवरेज जो है ना, कभी 5 मिल जाएगी, कभी 6 मिल जाएगी, लेकिन स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। 180 आप इस तरह टच करोगे जैसे इट्स लाइक 120, 180 इज़ लाइक 124 भी, लेकिन एवरेज आपको नहीं मिलनी। किसी ने भी जो अगर एक स्पोर्ट्स कार उसने रखी हुई हो या उसने मॉडिफाई करवाई हो, स्टॉक गाड़ी में उसने स्पोर्ट्स इंजन डाला हो, कभी भी इससे आप अच्छे फ्यूल एवरेज की एक्सपेक्टेशन ही ना रखें। वही 5-6-7-8-9-10 एवरेज, ये गाड़ी आपको इतनी एवरेज देगी ना, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन कभी भी इस तरह नहीं हो सकता। आप जब लोकल में ड्राइव करोगे, ट्रैफिक की वजह से गाड़ी आइडल स्टार्ट होगी, और सॉरी गाड़ी आइडल खड़ी होगी, गाड़ी नहीं चलेगी और इंजन स्टार्ट होगा, तो उससे आपका फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। तो मेरे ख्याल से लोकल में भी ये 8 और 9 से ऊपर एवरेज नहीं देती। और अगर ये 8 और 9 एवरेज भी मुझे मिल रही है, ये इस वजह से क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट है। 86 मेरे ख्याल से 1000 केजी से भी ये कम होगी, मे बी 950, मे बी 1000, लेकिन लेट्स से 1000 टू बी ऑन द सेफ साइड। 1000 वेट इस इंजन के लिए कुछ भी नहीं है, तो मतलब यही रीज़न है जिसकी वजह से मेरी जो एवरेज जो है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोल है।
और मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी की एवरेज जो है, अगर मैं स्लो चलाऊँ तो एक रीबॉर्न होंडा सिविक रीबॉर्न उसके इक्वल हो जाता है। वंस अगेन ये जो बंदे थे जिन्होंने ये कमेंट किया है, तो आफ्टर ऑल दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, सब्सक्राइबर्स हैं और इनके ओपिनियन को मैंने हर वीडियो में मैंने इनक्रेज किया है, क्योंकि वीडियो के एंड में आई ऑलवेज लीव अ स्टिकर, लीव अ कमेंट, एक स्टिकर होता है उस पर लिखा होता है कि लीव अ कमेंट, तो इट्स ऑल राइट। लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था और मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया। मैं लोगों को अगर मैं कहूँ कि मेरी गाड़ी 20 एवरेज देगी तो वो यकीन करना स्टार्ट करेंगे और उसको क्वेश्चंस करेंगे। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था अगर मैं 10 से ऊपर एवरेज किसी को बता दूँ तो वो बिल्कुल मेरे साथ एग्री नहीं करेगा, दे विल कॉल मी अ लायर। या मैं 20 एवरेज 30 एवरेज की बात कर रहा हूँ और लोग कह रहे कि मैं आई विल थ्रो द ऑल्टो, और क्या सच में इतनी एवरेज मिल रही है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और रियली मज़ा आया। ऑल राइट बॉयज, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और विश मी लक, अल्लाह हाफिज़।